हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन स्पेशल क्रैश कोर्स क्लासेस है, जिसमें कि बेल्ट्रॉन के स्पेशल एमसीक्यू कराएंगे टीसीएस के क्वेश्चंस के। आपको क्वेश्चंस के लेबल देख के लग भी जाएगा कि ये टीसीएस के क्वेश्चन है और ये बेल्ट्रॉन के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको मोटिवेट करने के लिए वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रिपेयर करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये कंटेंट फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तारित रूप है, यानी कि यूआरएल का एब्रीवेशन क्या है। तो यूआरएल का एब्रीवेशन होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी प्रकार से एक एब्रीवेशन और पूछता है बार बार, ASCII का एब्रीवेशन क्या होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का एब्रीवेशन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी एब्रीवेशन पूछता है, जैसे कि LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि .gov.edu.mail और .net के एक्सटेंशन को कहा जाता है। तो कोई भी एक्सटेंशन फाइल हो उसको कहा जाता है DNS। क्या कहा जाता है? DNS। ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन फाइल हो उसको DNS कहा जाता है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती है। तो जो यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करा, सूचना को कलेक्ट कराती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो उस फाइल को कहते हैं कुकीज़, उसको क्या कहते हैं? कुकीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको कहते हैं नेविगेटिंग। ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसको ब्राउजिंग कहते हैं, लेकिन किसी वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया को नेविगेटिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन है। तो ईमेल में हमेशा @ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए हमारा ईमेल है stackguruji@gmail.com, तो उसमें @ का यूज हो रहा है। ठीक है, लिख के भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट है, उसमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए तो ईमेल में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर छः, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। और भी वेब ब्राउजर की बात कर लेते हैं, तो गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। एप्पल का सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, TCP/IP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो TCP/IP का जो विस्तारित रूप होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता भी सकते हैं कि TCP/IP का विस्तारित रूप क्या होता है। तो इसका विस्तारित रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP का विस्तारित रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन को पूछा है कि टिम बर्नर्स-ली ने इसमें से कौन सा अभिधारण प्रस्तुत किया था, यानी कि टिम बर्नर्स-ली ने किसकी डिस्कवरी की थी। तो टिम बर्नर्स-ली डिस्कवरर हैं WWW के, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने दिया था? टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देख लीजिए, क्वेश्चन भी आ गया, 9th क्वेश्चन वही है कि HTML का विस्तारित रूप क्या होता है। तो HTML का विस्तारित रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है, तो इंटरनेट कनेक्शन यदि आपको लेना है तो उसमें मॉडम की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है।
टेलीफोन लाइन की आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या करेगा, रन करेगा। वेबसाइट लिखने का सही तरीका क्या है, तो जैसे ये देखिए, ये वेबसाइट लिखने का सही तरीका है, जैसे कि हमारी भी वेबसाइट है www.goamit.in, ठीक है, तो ये सही तरीका है। इसी तरह www.yahoo.com, www.google.com, www.youtube.com, तो ये वेबसाइट लिखने का सही तरीका है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, इसीलिए कहते हैं इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ईमेल मैसेज में बीसीसी का क्या है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, एंड मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। WW का पूरा नाम क्या है, तो WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, ये WW का पूरा नाम है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ई कॉमर्स में ई का क्या अर्थ होता है, तो ई कॉमर्स में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, electronics, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ISP का पूरा नाम क्या है, ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम क्या होता है, ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। .com का क्या अर्थ है, .com का अर्थ होता है कॉमर्शियल, .com का क्या अर्थ होता है कॉमर्शियल, ठीक है। .org का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशनल, .in यानी कि इंडिया, .edu यानी कि एजुकेशनल। वाईफाई का मतलब क्या होता है, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। सर्च इंजन कौन सा है, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू क्या है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्या है सर्च इंजन है, याहू क्या है सर्च इंजन है, ठीक है। GIS का क्या मतलब होता है, GIS का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरह के एक क्वेश्चन और पूछता है गीगो, GIGO, गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ रूल्स, कलेक्शन ऑफ रॉ, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल, PROTOCOL, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 26, WWW पर कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल की सहायता से आपस में कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है, WWW पर कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल की सहायता से आपस में कम्युनिकेट कर पाता है, तो वो है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कई लोगों द्वारा व्यक्तिगत साइट तैयार की जाती है जिसे ब्लॉग्स कहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी अपना बनाया है www.goamit.in, बहुत से लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, अपनी व्यक्तिगत साइट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉग्स कहते हैं, BLOGS, ब्लॉग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मॉडम शब्द
किन दो शब्दों से बना है? तो देखो मॉडर्न का एब्रीवेशन, यदि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि मॉडर्न का एब्रीवेशन क्या होता है, MODEM, तो मॉडर्न का एब्रीवेशन होता है मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन। ठीक है, क्या होता है? मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन। डोमेन टाइप डॉट जी ओ वी का क्या अर्थ है? तो मैंने तो आपसे डिस्कस कर लिया है, डॉट जी ओ वी का अर्थ होता है गवर्नमेंट, डॉट ई डी यू का अर्थ होता है एजुकेशनल, डॉट कॉम का अर्थ होता है कॉमर्शियल, डॉट इन का अर्थ होता है इंडिया। ठीक है, डॉट ओ आर जी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं ईमेल के लिए? जी हाँ बिल्कुल। फाइल डाउनलोडिंग के लिए? बिल्कुल। दूसरों लोगों से ऑनलाइन चैटिंग के लिए? बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी करेक्ट हैं, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ईमेल में यूज करते हैं, फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉडम की डाटा ट्रांसमिशन गति को किसमें मापते हैं? तो जो मॉडम की डाटा ट्रांसमिशन गति होती है उसको बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। मॉडम की डाटा ट्रांसमिशन गति को किसमें नापते हैं? तो मॉडम की डाटा ट्रांसमिशन गति को बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। इंटरनेट पर लोग किसके द्वारा संपर्क करते हैं? तो इंटरनेट पर लोग स्क्रीन पर लिख कर संपर्क कर सकते हैं, आवाज़ द्वारा संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एक दूसरे को देख कर संपर्क कर सकते हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक ऑथेंटिकेशन है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक ऑथेंटिकेशन करता है। ठीक है, इंटरनेट साइट स्लैश वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? जो इंटरनेट साइट होता है, इंटरनेट की जो वेबसाइट होता है, उसका मेन पेज होता है वो कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।